कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आ गई तो सनातन धर्म को खत्म कर देगी। मध्य प्रदेश की महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनी तो ना ही नवरात्रि मनेगी और ना ही कोई दिवाली मना पाएगा। यह कहना है भाजपा नेता कृष्णा गौर का। कृष्णा गौर गोविंदपुरा विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी है। कृष्णा गौर के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कृष्णा गौर पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस वक्त कृष्णा गौर की शादी हुई थी उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी, तो क्या उस वक्त कृष्णा गौर को करवा चौथ मनाने से रोका गया था? भोपाल की गोविंदपुरा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर के नए बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। कृष्णा गौर ने अपने एक बयान में कांग्रेस को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है। अगर कांग्रेस सरकार में आई तो महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाएंगी, ना ही प्रदेश में कोई नवरात्र और दिवाली मना पाएगा। कृष्णा गौर के इस बयान के बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से कृष्णा गौर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कृष्णा गौर को जवाब देते हुए कहा कि जब कृष्णा गौर का विवाह हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी, तो कृष्णा गौर जवाब दे, क्या उस वक्त उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने से रोका गया था? कृष्णा गौर अपने बयानों से जहर फैला रही है, उन्हें जहर फैलाना बंद करना चाहिए। नफरत और घृणा फैलाने के लिए जिस तरह के बयान दे रही हैं वो बहुत निंदनीय है। कांग्रेस के जमाने में ही उनका विवाह हुआ था, तो वो बताएं क्या उन्हें कांग्रेस के जमाने में क्या जो है उनकी अपनी पद्धति से विवाह करने का अवसर नहीं मिला? क्या उन्होंने उस जमाने में जो है करवा चौथ नहीं मनाया? इस तरह के झूठ बोलकर समाज में जहर फैलाने की बातें करना बेमानी है। ये जो है हेट स्पीच में आता है और इसकी शिकायत हम लोग चुनाव आयोग में करेंगे। फिर है रन की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी? हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।